हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो प्लीज़ एंड तक देखना, और अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो गाइस, फूल की पहचान होती है उसकी खुशबू से, आसमान की पहचान होती है उसके नीलेपन से, नदी की पहचान होती है उसके जल से, और वैसे ही इंसान की पहचान होती है इंसानियत से। तो गाइस, आज मुझे बहुत दुख हो रहा है अपने देश की परिस्थिति देखकर कि लोग इंसानियत भूल गए। गाइस, आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में इंसानियत की पोस्ट बहुत कम देखने मिलती है। तो गाइस, आज मुझे ही 1 से 2 घंटा लगा है सिर्फ पांच पोस्ट ढूंढने में। तो गाइस, वही 5 पोस्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ अपनी ओपिनियन रखकर। हैप्पीनेस इज अ पीस ऑफ माइंड। तो गाइस, आप रोज का या 1 मिनट का 1000 रुपए कमा के अमीर बन सकते हो, लेकिन आपका परिवार ही खुश नहीं है तो आप अमीर नहीं हो। अमीरी क्या दिखती है? अमीरी 2 वक्त की रोटी दिखती है, ना कि पैसा, बंगला, गाड़ी, ये देखती है। गाइस, बनना है तो दिल से अमीर बनो, ना कि पैसे से। पैसे से तो कोई भी अमीर बन जाता है, जो दिल से अमीर होता है उसे ही कहते असली इंसानियत। तो गाइस, मेरी सेकंड पोस्ट ये है। गाइस, किसी ने तो लिखा था कि क्या सबसे क्यूट बोलते हैं उसको क्या मालूम मेरे को इतना, पर वो सबसे क्यूट फोटो आपको कौन सी लगती है बच्चों में? तो गाइस, बच्चों में सबसे क्यूट फोटो मेरे को यही लगी। मेरे फैमिली में बहुत बच्चे, सब क्यूट है। अरे आजकल फिल्म स्टार के बेटे, उनका भी फोटो हो जा रहा है, सब वायरल हो जा रहे हैं। पर गाइस, इसमें मेरे को क्यूटनेस क्या लगी बताओ? गाइस, किसी ने, मैं देखा नहीं हूँ, मतलब मैं बस इमेजिन कर रहा हूँ वो फोटो देख के, कि किसी ने अपना बचा हुआ आइसक्रीम इसको दिया, तो इसके पास जो था इसने उसको दे दिया। तो गाइस, ये होता है ह्यूमैनिटी। गाइस, बच्चों में इंसानियत जग रही है, पर हम बड़ों में कुछ भी नहीं रह गई है। तो गाइस, मेरा मतलब ये है कि वो बच्ची समझ सकती है तो अपन क्यों नहीं। तो गाइस, मेरा थर्ड टॉपिक ये है, दे वर्क टू सर्वाइव नॉट टू सेव। तो गाइस, आपने इमेज देखी ली होगी कि एक ओल्ड लेडी है, वो वेजिटेबल्स बेच रही हैं। तो गाइस, उनसे बार्गेनिंग करके किसका भला होएगा बताओ? वो तो नहीं पैसा बचा के ना बंगला बांधने वाली है, ना कार लेने वाली है, ना कुछ लेने वाली है, वो बस अपने जीने के लिए कर रही है ना। तो भी कुछ कुछ लोग ऐसे हैं कि जाएंगे, उनसे बार्गेनिंग करेंगे। तो गाइस, उनसे बार्गेनिंग करके क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं। गाइस, एक एग्जांपल देता हूँ मैं, समझो वो 2 रुपये की भाजी बेच रही है, आप बार्गेनिंग करोगे, आप उनसे 1 रुपये मिलोगे, वो आपको 1 रुपये में तो दे देंगी, पर वो अपनी इंसानियत दिखाएंगी कि ले लो भाई 1 रुपये में ले लो करके। पर आप अपनी इंसानियत नहीं दिखाओगे कभी। आप कभी किसी को 1 रुपये भी ज़्यादा दिए हो क्या? नहीं दिए हो ना। तो मैं गाइस आपको बताता हूँ। गाइस, आप कुछ भी समझो, पिज़्ज़ा, बर्गर, किधर आप मॉल में गए घूमने, हाँ, तो गाइस आप उधर से कपड़े लेते हो या शॉपिंग करते हो, कुछ भी शॉपिंग करते हो, तो क्या मिलता है? 99 रुपीज़ का 99 999 999, ऐसा प्राइस रहता है सिमिलर। तो गाइस, जो 1 रुपया बचता है वो आप कभी लेते हो? नहीं लेते हो ना। तो गाइस, इनको 1 रुपया देने में क्या है? हाँ, इनसे बार्गेनिंग करके क्या मिलेगा आपको? आप कभी मॉल में बार्गेनिंग किए हो? नहीं किए हो। कम से कम दिन में 5000 के ऊपर उनका प्रोडक्ट बिकता होगा मॉल का, हाँ। तो गाइस, दिन का 5000, तो गाइस 1 रुपये के हिसाब से 5000 समझो, तो हो गया ना 5000। तो गाइस, उनके एम्प्लॉयज़ का तो 15 से 20 दिन का सैलरी निकल जाता है, और इनका
इनका क्या होएगा? तो गाइस बार्गेनिंग ऐसी जगह पे करो जो जगह पे काम आए। ह्यूमैनिटी इज अ बिगर देन स्टेटस। मेरे ख्याल से सब इसके लिए जीते होंगे। कोई जिए जाना जिए, मैं तो जीता हूँ भाई। मेरे ख्याल से मेरे में इंसानियत है और मैं अपनी इंसानियत के लेवल को चार्ज भी करके जा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा हूँ। तो गाइस आप भी करो। तो गाइस आप ये इमेज देख ही चुके होंगे। तो गाइस ये इमेज में जो दिखा रहा है वो मत करो। मैं वो नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ कि वही करो। तो गाइस आप ऐसी छोटी 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 मोटी हेल्प सबकी किया करो। गाइस आपको समझा नहीं होगा तो गाइस आपको एक एग्जांपल देता हूँ। गाइस मैं, आप किधर रोड पे जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, चाहे किधर भी जा रहे हो आप, तो गाइस आपके पैर के अंदर एक पत्थर आया, उससे चोट लग सकती है। तो गाइस आप क्या करोगे? पत्थर साइड में उठा के रखोगे ना? इंसानियत के नाते आपका फर्ज बनता है उसको साइड में उठा के रखना। तो गाइस वही पत्थर की वजह से किसी के घर में मातम छा सकता है। तो गाइस कोई बाइक वाले का एक्सीडेंट हो सकता है, कोई बच्चे को चोट लग सकती है। तो गाइस इंसानियत के नाते छोटी मोटी कंट्रीब्यूशन किया करो और अपने ह्यूमैनिटी लेवल को चार्ज करो। गाइस सबकी हेल्प किया करो। तो गाइस मुझे सबसे अच्छी में यही लगी, ऑलवेज ट्राई टू फाइंड हैप्पीनेस इन एवरी सिचुएशन। तो गाइस कभी भी अपनी सिचुएशन को हारना सीखो। गाइस सिचुएशन सबकी ख़राब होती है। गाइस सिचुएशन मीन्स मालूम है ना, परिस्थिति। गाइस सबके लाइफ में खराब परिस्थिति आती है, खराब दिन आते हैं समझो, तो दिन को हराना सीखो कि नहीं मैं ऐसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, कुछ भी रहने दो क्या। तो गाइस ये बच्चे देख रहे हो ना, ये बच्चे का कुछ नहीं है, ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है, तो भी गाइस ये कमा के खा रहे हैं। गाइस मेरे को इतना मालूम नहीं कि क्या क्या है क्या नहीं है, बस मैं ये फ़ोटो देख के इमेजिन किया हूँ एक कि भाई इसके पास कुछ नहीं रहते हुए भी ये इतना खुश है, और अपने पास सब कुछ रहते हुए तो भी आप हमेशा दुख में रहते हमेशा। तो गाइस ना ये स्कूल जाता है तो भी खुश है। तो गाइस इंसान जीता क्यों बताओ? तीन चीज़ के लिए ना, रोटी कपड़ा और मकान। तो गाइस अपने पास सब है, इसीलिए हमें इंसानियत नहीं समझती है, इंसानियत मीन्स क्या होता है करके। तो गाइस जिस दिन हमारे पास ये नहीं होगा ना, उस दिन हमें समझेगी। और मैं आपको इतना कुछ बताया ना गाइस, आपको सब बकवास लगा होगा, सब कि पका रहा है, क्या पका रहा है, क्यों? क्योंकि आपके पास सबका सब है करके आपको ऐसा लग रहा है कि मैं पका रहा हूँ। तो गाइस पका रहा नहीं हूँ। हाँ, और जिसको लगा कि अच्छा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।